me that you love me. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ वीडियो। इस पूरे वीडियो सीरीज में हम बनाने वाले हैं फ्लटर और फास्ट एपीआई से एक ब्लॉग एप्लीकेशन। तो आपको सबसे पहले मैं स्टेप्स बता देता हूँ। आपको सिंपली जाना है sqlitebrowser.org पे। वहाँ पे जो SQLite डेटाबेस का SQLite ब्राउजर होता है उसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आप ब्राउजर पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लिया है, जो आपको क्लिक करना है न्यू डेटाबेस पे। आपको डेटाबेस का नाम देना है, मैंने यहाँ ब्लॉग डीबी दे दिया है। और मैंने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर ली है, जो है आप इधर वैल्यूज दे सकते हैं ऐड, और जो कि है सिंपल, फैली सिंपल आईडी टाइटल कंटेंट ऑथर और डेट। ओके, तो ये है हमारा ब्लॉग का स्ट्रक्चर। तो ये हमारा डेटाबेस क्रिएट हो गया है। आप सबको ये डेटाबेस बनाना आता होगा, इसलिए मैंने इसे बोर नहीं किया। पर अगर आपको कोई परेशानी होती है आप नीचे कॉमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे करना है स्टेप्स डेटाबेस के ऊपर भी। नेक्स्ट है हमारा हमारा जो फ्लड फास्ट एपीआई पे आ गए हैं हम, और हम यहाँ पर लिखना है पाइथन 3-m when। मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में अंदर काम कर रहा हूँ क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस मानी जाती है। आप जितने भी आपके पैकेजेस हैं उसको आप जो ग्लोबल पैकेज है उससे अलग रखने की कोशिश करें, और मेरा ये रिकमेंडेशन है। तो ये when क्रिएट हो रहा है, तो हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया है। तो अभी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट जाएंगे और इस स्क्रिप्ट से हम उसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा स्लैश when when slash scripts slash activate। एक्टिवेट हो गया। हम यहाँ पे कोड जो VS Studio विजुअल स्टूडियो कोड है उसे ओपन कर लेंगे। तो मैं लिखूंगा कोड डॉट, और हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो वो ओपन हो चुका है। लेट मी चेक। ओके, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो फाइल है न्यू फाइल पे क्रिएट करना है, और यहाँ पे हम लिखेंगे server.py। ये हमारा मेन फाइल होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, हम अपने जाएंगे विंडोज के सिस्टम में, और हमें यहाँ लिखना है pip install fastapi all। ये हमारे लिए हमारे fastapi ubicon है, और बाकी सब जो भी डिपेंडेंसीज होती है पाइडेंटिक बेस मॉडल्स उसे ये इंस्टॉल कर देगा। ओके, तो हमारा जो जितना भी डिपेंडेंसीज है वो सारा इंस्टॉल हो गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने बैकएंड बनाने पे। तो मैं यहाँ इसे जूम कर लूंगा थोड़ा सा। ओके, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फास्ट एपीआई इंपोर्ट फास्ट एपीआई, और हम यहाँ पे लिखेंगे ऐप इज इक्वल टू फास्ट एपीआई, और हम यहाँ लिखेंगे ऐप डॉट गेट, और जो सबसे पहला हमारा होगा वो होगा हमारा गेट ब्लॉक्स। मतलब जितने भी ब्लॉक्स जो है उससे हमें अपने सिस्टम, मतलब जो भी लिस्ट है उसे लिस्ट करना है। तो हम लिखेंगे async def get blocks, और हम यहाँ पे सिंपली यहाँ पे एक कनेक्शन बनाएंगे हमारे डेटाबेस के साथ। तो कॉन कनेक्शन इज इक्वल, हम यहाँ पे लिख लेंगे इम्पोर्ट SQLite3.connect। हम यहाँ कनेक्शन बनाएंगे ब्लॉग डेटाबेस डॉट डीबी के साथ, और हम लिखेंगे कर is equal to con.fetchall, con.execute, select everything from, और हमारे टेबल का नाम जो है blocks, select everything from blocks, और हम यहाँ पे अभी के लिए लिखेंगे print cur.fetchall। okay, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, uvcon server app dash reload। तो ये हमारा जो सर्वर है यूबीकॉन का उसे स्टार्ट कर देगा। एप्लीकेशन स्टार्टेड, और ये पोर्ट हो रहा है 8000 पे। तो हम जाएंगे अपने लोकल होस्ट पोर्ट 8000। तो मैंने जो है यहाँ पे अपने जो सर्वर है उसे यहाँ स्टॉप करके यहाँ रन किया। पता नहीं यहाँ पे जो कुछ एरर आ रहा था, तो मैंने अपने विजुअल स्टूडियो कोड में रन किया, तो अब ये आ रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है, स्लैश गेट ब्लॉक्स जाना है, स्लैश गेट ब्लॉक्स, और गेट ब्लॉक्स पे जाते हैं। हमें यहाँ नल वैल्यू मिल रही है क्योंकि जो हमारा फेच ऑल है उसमें कुछ भी कोई भी चीज नहीं है। हम यहाँ पे देख सकते हैं इज नन। ओके, तो अब हम यहाँ पे जाएंगे ब्राउज डेटा पे, और यहाँ पे हमें एक एंट्री ऐड करनी है, जो कि आप कर सकते हैं यहाँ से इंसर्ट अ रो इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड, आपको दिख रहा होगा। तो हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इसका आईडी अपने आप इंक्रीमेंट हो गया है। जो हमारा टाइटल जो होगा वो होगा लेट्स से जेंगो फास्ट एपीआई फ्लटर, कंटेंट होगा दिस इज एन एग्जांपल ब्लॉक कंटेंट, ऑथर होगा एज ऑलवेज ये कोड है, और हमारा जो डेट होगा वो गया डेट जो है 30/05/2021। ये भगवान इसका करना हटा देना। ओके,
तो हमें यहाँ पे 2021 जो है हमने सेव कर दिया है। अब हम जाएंगे अपने डेट ब्लॉग में और अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इधर भी नल आएगा पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जेंगो ऐसे ऐसे करके आ गया। तो हमारा मतलब कि कर्ज और फेच फेच और अच्छे से फेच कर रहा है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखना है डेटा डेटा लेट्स से ब्लॉग ब्लॉग्स इज इक्वल टू कर डॉट फेच ऑल फॉर आई इन। अब यहाँ लिखेंगे हम यहाँ पे एक रिटर्न करने वाले ब्लॉग्स को, जो कि होगा ब्लॉग्स जेसॉन, जो कि होगा एक ऐसा सिंपल सा फॉर आई इन ब्लॉग्स ब्लॉग्स। हम यहाँ पे लिखेंगे एक सिंगल ब्लॉग वेरिएबल बनाएंगे, सिंगल ब्लॉग इज इक्वल टू दिस, और हम यहाँ पे ये जो है इसे डिक्शनरी मतलब लिस्ट कर देंगे, वैसे डिक्शनरी कर देंगे। असल में करेंगे क्या हम लोग, मैं आपको एक बता देता हूँ। हम लोग यहाँ पे करने वाले कुछ ऐसा कि ये हमारा ऐसा कुछ होने वाला है, ये जो हमारे एरे है और इसके अंदर ऐसा टाइटल टाइटल इज इक्वल टू माई टाइटल, आईडी इज इक्वल टू आईडी। तो ऐसे करके जो है हमारा ऐसा कुछ जेसॉन दिखने वाला है। तो हम अभी कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंगल ब्लॉग आइटम है, हम ये सिंगल ब्लॉग आइटम पे कुछ कुछ वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे सिंगल ब्लॉग आइटम की आईडी होगी आई की जीरोथ वैल्यू, जो कि आईडी है एज ऑलवेज, आप देख सकते हैं यहाँ पे वो जो जीरोथ वैल्यू वो ये ले लेगा 1। तो ये हमारा सिंगल ब्लॉग आईडी। फिर हम इस सिंगल ब्लॉग आईडी को क्या करेंगे, इस ब्लॉग के जेसॉन में ब्लॉग्स का जो जेसॉन है उसके अंदर अपेंड कर देंगे और फिर जो है हम ब्लॉग्स जेसॉन को रिटर्न कर देंगे। तो देखने में मतलब सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा पर इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ जल्दी से। 1 और हम इसे कॉपी कर लेते हैं, ये होगा हमारा कंटेंट और हमारा ऑथर, और हमारा एक और बार होने वाला है ये ऑथर होगा टाइटल और ये हमारा डेट। आपको बस वैल्यूज को एक एक से इंक्रीमेंट करते जाना है। ये दो दूसरा प्लेस पे होगा, वो तीसरा प्लेस पे होगा और वो चौथा प्लेस पे होगा, वो मैं कैसे बता सकता हूँ। ये रहा आईडी, जीरोथ प्लेस पे, 1th प्लेस पे, 2nd प्लेस पे, 3rd प्लेस पे और ये 4th प्लेस पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, ब्लॉक्स जेसन के अंदर अपेंड कर देंगे उस सिंगल ब्लॉग आइटम को और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे ब्लॉक्स जेसन। ओके, तो हमारे यहाँ पे ब्लॉक जेसन आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आईडी ऐसा ऐसा आ गया है, पर हम इसे अच्छे से देखना चाहते हैं तो हम जा सकते हैं अपने स्वैगर यूआई में और हम यहाँ पे जो डिफॉल्ट है उसमें गेट ब्लॉक्स कर सकते हैं, इसे ट्राई एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे जो है प्रीडिफाइंड जेसन फॉर्मेट में मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, इधर एक और वैल्यूज ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक और प्लेटफॉर्म फ्रेमवर्क। ओके, अब हम यहाँ पे जो हमारा इधर एक ब्लॉक जर्नल डिलीट ब्लॉक जर्नल आ गया। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे में ये एरर पक्का आएगा कि ब्लॉक जर्नल जो क्रिएट हो जाएगा और नहीं दिखेगा और बार बार ये एरर देगा, क्योंकि अगर मैं अभी इसे रन करने की कोशिश करूंगा एग्जीक्यूट तो बहुत लोगों में कुछ ऐसा आएगा डेटाबेस लॉक्ड करके। मैं अभी उस जगह से नहीं ले रहा हूँ, मेरा इसलिए डेटाबेस लॉक्ड नहीं आ रहा है, पर बस मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इसे सेव कर लें ताकि जो ब्लॉक डेटाबेस आपका बार बार ऐसे आए ना। अब मैं फिर से एग्जीक्यूट करूंगा, यहाँ पे देख सकते हैं आईडी 2 अपने आप क्रिएट हो गई है और फास्टेस्ट फ्रेमवर्क। ओके, तो ये जो हमारा जो बेसिक गेट रिक्वेस्ट था वो हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और हम इसको गेट रिक्वेस्ट करेंगे, ऐड ऐड भी करेंगे और इसे रीड भी करेंगे। रीड तो हो गया है, फिर हम ये पूरे सिस्टम को एक लेट से कहीं हेरकू या फिर किसी चीज़ पे डेटा डॉट डेव पे इसे होस्ट करके उसे क्या करेंगे, हम लोग अपने फ्लटर ऐप से क्रिएट करेंगे। ओके, तो मैं मिलता हूँ वीडियो में, टिल देन सी या हैव अ गुड डे। Oh,